लेकिन सवाल यह है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र में जो अधिकार हमें वोट डालने का है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और याद कीजिए आप, एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार बना दिया था, आज सरकार वो कानून बना रही है जिससे कि हर चीज प्राइवेट के हाथ में चली जाए, और जब प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी तो क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का या मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसका क्या होगा? जो मूल भावना मंडल कमीशन की थी उससे हम कितना दूर हो गए? तो जो भारतीय जनता पार्टी एक झूठे सपने दिखा रही है, आज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट में बात नहीं होनी चाहिए? किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में पूरा गेहूं किसने खरीद लिया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का गेहूं आईटीसी कंपनी या और कई कंपनियां प्राइवेट वो खरीद ले गई। जब आप आटा लेने जाओगे तो मुनाफा तो उनको हो रहा है, अगर किसान के साथ ये धोखाधड़ी क्यों हो रही है? और अगर यूपी का किसान प्राइवेट हाथों में बिक रहा है तो मैं ये जानता हूँ कि मध्य प्रदेश का भी किसान का पूरा गेहूं प्राइवेट हाथों में चला गया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।